सब्सक्राइब करें जीपी एडवाइस चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को सबसे पहले लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जीपी एडवाइस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कई सारे लोगों ने मेरे को फोन कर कहा कि सर सिलेबस क्या है, क्या है हिस्ट्री का सिलेबस, क्या है जियोग्राफी का सिलेबस, क्या कौन से चैप्टर कट गए, क्या नया सिलेबस आ गया है। ये बहुत सारे क्वेश्चन आए, इसलिए मैंने सोचा वीडियो बना देता हूँ जिससे हेल्प हो सके। और जिन लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों देखो, मेरे को सिलेबस सारी स्कूल में अलग अलग मेन मेन चैप्टर में बता देता हूँ कौन कौन से है। और अगर दोस्तों आपने हमारे चैप्टर जो तो सारे हमने इकोनॉमिक्स जियोग्राफी पॉलिटिकल और इसके हिस्ट्री के सारे के हमने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए, अगर आपने वो नहीं देखी हमारी वीडियो और सारे चैप्टर हमने एक्सप्लेन भी किया, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर देख लो। अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लगता है, वीडियो अच्छी लगती है, लाइक ज़रूर करना। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपने देखते इकोनॉमिक्स में मेन चैप्टर कौन कौन से है। इसमें देखो, एक तो कंज्यूमर राइट्स, ग्लोबल इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट। ये देखो सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ये वाला चैप्टर मे भी कटवा चुके हैं और ये डेवलपमेंट, ये दोनों चैप्टर कम आएगी, ये तीनों चैप्टर मेन है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, ये वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर कम आने के चांस है। उसके बाद आता है ये जियोग्राफी, इसके अंदर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट कम चांस है। फॉरेस्ट, इस वाले के अंदर देखो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मेन है, लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये चैप्टर थोड़ा इसमें ये भी थोड़ा मतलब कि ये भी थोड़ा मेन है, ये कम चांस आने के। एग्रीकल्चर, इसमें ये भी मेन है, वाटर रिसोर्स मेन है, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ मेन है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट भी मेन है। और मिनरल एनर्जी रिसोर्स, इसमें सिर्फ कई बच्चे कह रहे मैप आएगा तो मे भी मैप आ सकता है। लाइफ लाइन नेशनल इकोनॉमी, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंटली इसका ध्यान रखना, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है कि हिस्ट्री, जिसके अंदर मेन डाउट था हिस्ट्री के अंदर। देखो ऐसे तो दो चैप्टर की ऑप्शनल आएगी, लेकिन ये तो सारे मेन है। दाइज नेशनल यूरोप, इंडो चाइना, नेशनलिज्म इन इंडिया, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये लास्ट चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। बाकी आपकी मर्जी, आपको करना है नहीं करना। मैं तो देखो दोस्तों, मेरे को जो मैंने तो सिलेबस चेक किया उस पर सीबीएसई बोर्ड साइट पर, तो मेरे को ये दिखे चैप्टर, बाकी मेरे को नहीं पता कि आपको स्कूल में कौन सा दिया। इसलिए गुस्सा मत हो ना कि मैं गलत बता रहा हूँ, गलत मेरे को बिल्कुल नहीं पता कौन से चैप्टर आने वाले, लेकिन मैं जो सीबीएसई बोर्ड की साइट पर मेरे को दिखे वही मैं बता रहा हूँ। उसके बाद मैं एक ये चैप्टर पावर शेयरिंग फेडरलिज्म, इसमें से इस वाले इनमें से आपको पॉलिटिकल पार्टीज मेन है, पॉपुलर स्ट्रगल, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, जेंडर रिलीजन कास्ट डाइवर्सिटी और पावर शेयरिंग, बाकी सारे आपको सारे मतलब इस में भी सारे इंपॉर्टेंट है, लगभग सारे चैप्टर के अंदर ही है। बस आपको मैं भी सारों को इसमें हिस्ट्री में प्रॉब्लम थी तो ये एक तो वर्क लाइफ एंड लीजर, नोबल सोसाइटी एंड हिस्ट्री, ये दोनों चैप्टर कट नहीं शो करे थे उधर, बाकी मैं पता नहीं, आप खुद जाकर cbse.nic.in में चेक कर सकते हो। लेकिन मेरा काम था कि आपको बताना, और क्योंकि कईयों ने मेरे को आशा सर वीडियो बना दी, इसलिए मैं वीडियो बना दी। अगर दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगे, अगर कोई डाउट हो तो मेरे कॉल कर लो, अगर आपको कोई डाउट नहीं हो तो मेरे को चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक करना बिल्कुल। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग अवर चैनल जीपी एडवाइस।